नमस्कार, मैं लेख शेखर शर्मा आपको कोर डेटा के बारे में पढ़ रहा हूँ। और कोर डेटा में हम पढ़ रहे हैं राणा टिगरीना नाम के फ्रॉग के बारे में। इसे इंडिया में इंडियन बुल फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह बड़े आकार का होता है और हरे कलर का होता है। आपने देखा होगा बारिश के मौसम में बाहर आ जाता है ये। देखिए, अब तक हम है ना फ्रॉग के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उसका क्लासिफिकेशन देख चुके हैं, उसका हैबिट और हैबिटेट देख चुके हैं, मतलब उसका आवास कैसा है, स्वभाव कैसा है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम हम देख चुके हैं, ठीक है। आज हम क्या देख रहे हैं, आज हम नर्वस सिस्टम ऑफ फ्रॉग के बारे में पढ़ेंगे कि जो फ्रॉग है उसका नर्वस सिस्टम कैसा होता है, उसका तंत्रिका तंत्र कैसा होता है। देखिए आप ध्यानपूर्वक, हमारा जो ब्रेन होता है ना उसका शेप थोड़ा अलग होता है, जबकि हम भी कॉर्डेट फाइलम के ही एनिमल हैं, फ्रॉग भी कॉर्डेट फाइलम के एनिमल है, लेकिन फ्रॉग का ब्रेन थोड़ा लॉन्ग होता है, थोड़ा इलोंगेटेड होता है, थोड़ा लंबा होता है, और हमारा ब्रेन थोड़ा गोल होता है। जो फ्रॉग है उसका जो ब्रेन है वो थ्री पार्ट में डिवाइड रहता है, ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। यहां पर देखिए आप ध्यानपूर्वक, शॉर्ट में लिखा है मैंने एबी, मतलब फोर ब्रेन, मतलब अग्र मस्तिष्क। शॉर्ट में अभी भी मैं हिंदी में भी शॉर्ट में लिखूंगा, लेकिन आप एग्जाम में पूरा लिखें अग्र मस्तिष्क। बीच वाला कौन सा है, मिड ब्रेन, मतलब कि मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मैं मतलब मध्य मस्तिष्क। और हिड ब्रेन मतलब पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क में ये डिवाइड रहता है। फ्रॉग का जो नर्वस सिस्टम है थ्री टाइप का होता है, फ्रॉग के अंदर थ्री टाइप का नर्वस सिस्टम पाया जाता है बच्चों। पहला जो है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कौन सा है पहला, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। और किसी भी प्राणी के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरा नंबर पर होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेकंड वाला कौन सा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, कौन सा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तीसरे नंबर का, मतलब सेकंड नंबर का यहां पर इसका नर्वस सिस्टम कौन सा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कौन सा है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर किसका कौन बना रही है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नर्व्स बना रही है। देखो सब समझेंगे, पहले आप डायग्राम को देखिए। जो फ्रॉग का ब्रेन है वो इलोंगेटेड होता है, लंबा होता है, ठीक है, तीन पार्ट में डिवाइड है, ओल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड डाइनसिफेलोन। जो ओल्फैक्टरी लोब मतलब जो कौन सी पालियां हैं, जो घ्राण पालियां हैं, जो सूंघने वाली पालियां हैं, वो पाई जाती है फोर ब्रेन के अंदर, अग्र मस्तिष्क के अंदर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर मतलब प्रमस्तिष्क गोलार्ध, आगे जो मस्तिष्क होता है ना अगर मस्तिष्क, उसके अंदर दो गोले पाए जाते हैं, प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं जिसे, क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहते हैं। वन पेयर पाया जा रहा है यहां पर, एक जोड़ा पाया जा रहा है, ये रहा पहला, ये रहा दूसरा। आ रही है बात आपको समझ में। और फोर ब्रेन के अंदर और किसे रखा गया है, और यहां पर है डायनसिफेलोन, डायनसिफेलोन को भी फोर ब्रेन में ही रखा गया है। लेकिन जो मिड ब्रेन है ना बच्चों, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिक लोब है, द्रक पालियां हैं जो देखने में सहायता करती है, जिस प्रकार से ब्रेन की ओल्फैक्टरी लोब सूंघने में हेल्प करती है फ्रॉग की, मेंढक की, उसी प्रकार से ऑप्टिक लोब देखने में हेल्प करती है। ऑप्टिक लोब आई से कनेक्टेड रहती है, ओल्फैक्टरी लोब उसके नोस्ट्रिल, यहां पर जो छेद पाए जा रहे हैं उसके माउथ के ऊपर की तरफ, डोर्सल सरफेस पर, पृष्ठ सतह पर, उससे कनेक्ट रहती है। नीचे वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग, ये फ्रॉग का है हिंड ब्रेन, जिसे पश्चिम मस्तिष्क भी कहते हैं। और इसके अंदर टू पार्ट है बच्चों, एक तो है सेरिबेलम जिसे अनुमस्तिष्क के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है मेडुला आवला गेटा। मेडुला आवला गेटा किससे कनेक्ट रहता है, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट रहता है।
दो डायग्राम बताए गए हैं यहां पर, एक है डोर्सल सरफेस से, एक डायग्राम कौन सी सरफेस से है, एक डायग्राम है डोर्सल साइड से और एक डायग्राम है वेंट्रल साइड से। एक डायग्राम कौन सा है बच्चों, वेंट्रल साइड से। डोर्सल साइड मतलब क्या होता है, पृष्ठ सतह मतलब ऊपरी वाली सतह, और वेंट्रल साइड मतलब क्या होता है, निचली वाली सतह, अधर सतह को वेंट्रल सतह बोलते हैं। ब्रेन ऊपर से कैसा दिख रहा है, मेंढक का जो ब्रेन है, माना कि ये मेंढक है तो इसका ब्रेन पाया जा रहा है इसके क्रेनियम के अंदर, इसकी जो क्रेनियम है जिसकी जो खोपड़ी है उसके अंदर इसका ब्रेन क्लोज रहता है। ऊपर की तरफ भी ब्रेन है, नीचे की तरफ भी ब्रेन है, तो ऊपर से ब्रेन कैसा दिख रहा है और नीचे से कैसा दिख रहा है, ऊपर से ब्रेन दिखेगा ऐसा और नीचे से दिखेगा ऐसा। यहां तक आ गई बात आपको समझ में। इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, वापस ध्यानपूर्वक समझ लो, सबसे ऊपर की तरफ ऑल्फैक्टरी नर्व है, डोर्सल सरफेस में आराम से दिखाई दे रही है, और यहां पर आपको वेंट्रल साइड से भी आराम से दिखाई दे रही है। ऊपर से भी ऑल्फैक्टरी नर्व दिखाई दे देगी देखेंगे तो, और नीचे से भी देखेंगे तो अपन को ऑल्फैक्टरी नर्व दिखाई देगी, ठीक है। यहां पर सेरिबेलम, यहां पर आप देखिए ध्यानपूर्वक, ऑल्फैक्टरी नर्व के नीचे है ऑल्फैक्टरी लोब, और ये भी आराम से दिखाई दे रही है, डोर्सल साइड से भी दिखाई दे रही है, वेंट्रल साइड से भी दिखाई दे रही है। फिर है सेरिब्रल हेमी स्पेयर, क्या है यहां पर, यहां पर आप समझ लीजिए ये दो प्रमस्तिष्क गोलार्ध है, वन पेयर सेरिब्रल हेमी स्पेयर पाया जा रहा है, एक जोड़ी प्रमस्तिष्क गोलार्ध पाया जा रहा है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध ऊपर से तो डोर्सल साइड से तो बिल्कुल क्लियर दिखेगा, लेकिन अगर हम वेंट्रल साइड से देखें तो क्लियर नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इसके नीचे की तरफ कौन है बच्चों, डायनसिफेलोन है। कौन है, डायनसिफेलोन है। और यहां पर आप देखिए ध्यान पूर्वक, डोर्सल साइड से जब ब्रेन को देख रहे हैं तो डायनसिफेलोन छोटा सा दिख रहा है, ये येलो येलो से कलर का, ठीक है, लेकिन यहां से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, क्योंकि डायनसिफेलोन डोर्सल सरफेस की जगह कहां पाया जाता है, वेंट्रल सरफेस या वेंट्रल साइड पर पाया जाता है। डायनसिफेलोन के दोनों तरफ क्या पाई जा रही है, टू ऑप्टिक लोब पाई जा रही है, वन पेयर ऑप्टिक लोब पाई जा रही है, और ये डोर्सल साइड से बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ से पृष्ठ सतह से, लेकिन नीचे की तरफ से देखिए थोड़ा सा ही पार्ट दिखाई दे रहा है डायन्स इसका ऑप्टिक लोब का। क्यों, क्योंकि ऑप्टिक लोब किसके नीचे छुप गए हैं, डायनसिफेलोन के नीचे छुप गए हैं। डायनसिफेलोन के नीचे से बच्चों कौन सा ब्रेन चालू हो जाता है, हिंड ब्रेन चालू हो जाता है, जिसके अंदर होता है सेरिबेलम जो बॉडी का संतुलन बनाने का कार्य करता है, और उसके नीचे कौन कनेक्ट है, मेडुला आवला गेटा कनेक्ट है, ठीक है। मेडुला आवला गेटा से कौन कनेक्ट रहता है, मेरुरज्जू या स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट रहता है। ये छोटी छोटी क्या है, ये नर्व है जो पूरी बॉडी के अंदर फैली रहती है। तो आई होप आपको डायग्राम तो समझ में आ गया होगा। देखिए फ्रॉग के नर्वस सिस्टम थ्री टाइप का होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को रखा गया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन बना रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन बना रहा है, उसका ब्रेन बना रहा है, और कौन बना रहा है, स्पाइनल कॉर्ड बना रहा है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, 10 पेयर क्रेनियल नर्व और 9 पेयर स्पाइनल नर्व मिलकर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना रही है। परिधीय तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में जाल की तरह फैला रहता है, और ये मस्तिष्क और मेरुरज्जू से जुड़ा रहता है। इसके अंदर 10 पेयर तो क्रेनियल नर्व है, मतलब कपालीय तंत्रिकाएं हैं, और 9 पेयर कौन सी है बच्चों, स्पाइनल नर्व है। कौन सी है, मेरु तंत्रिकाएं हैं। कौन सी है, मेरु तंत्रिकाएं हैं। ब्रेन एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होती है, लंबी संरचना है ब्रेन, ठीक है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होती है जो कि स्कल बोन से बनी क्रेनियम में क्लोज रहती है, जो कि स्कल बनाने वाली बोन में, जो कि करोटी बनाने वाली बोन के अंदर जो क्रेनियम है उसके अंदर ये बंद रहती है। ब्रेन थ्री पार्ट में डिवाइड रहता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, मतलब अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एवं पश्चिम मस्तिष्क। फोर ब्रेन के अंदर रखा गया है ऑल्फैक्टरी लोब को, वन पेयर सेरिब्रल हेमिस्पेयर है, मतलब कि एक जोड़ी एक जोड़ी प्रमस्तिष्क गोलार्ध है, और वन डायसिफेलोन है, एक क्या है यहां पर, डायनसिफेलोन है। ये फोर ब्रेन ज्यादातर है ना याददाश्त से रिलेटेड होता है ये, और किसमें, सूंघने में भी सहायता कर रहा है, ऑल्फैक्टरी मतलब सूंघने में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है। और जो मिड ब्रेन है उसमें वन पेयर ऑप्टिक लोब पाई जाती है, उसमें देखने से संबंधित पालियां पाई जाती है। मेंढक का अगर मिड ब्रेन नष्ट कर दोगे तो अंधा हो जाएगा और देख नहीं पाएगा।
ठीक है। और हिंड ब्रेन को कहते हैं पश्च मस्तिष्क, इसमें सेरिबेलम है और मेडुला ऑब्लॉगेटा है। सेरिबेलम क्या बनाता है, बॉडी का बैलेंस बनाता है। जो पीने वाले लोग हैं, कई लोग ड्रिंक कर लेते हैं, तो जो वाइन होती है, जो शराब होती है, वो सेरिबेलम पर इफेक्ट डालती है, जिसकी वजह से बॉडी का संतुलन बिगड़ने लग जाता है और व्यक्ति सीधा चल नहीं पाता है। ठीक है, ये क्या है, मेडुला ऑब्लॉगेटा है। सेरिबेलम के पीछे वाला भाग क्या है, मेडुला ऑब्लॉगेटा है, और इससे मेडुला ऑब्लॉगेटा स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट रहता है, जुड़ा रहता है। तो आई होप जो आज मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए, आप वीडियो को रोककर इस डायग्राम को ध्यानपूर्वक देखिए, एक एक चीज क्या बताई जा रही है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आप बोलेंगे सर तीसरा प्रकार का नर्वस सिस्टम नहीं बताया, तो तीसरे प्रकार के नर्वस सिस्टम का आप सिर्फ नाम लिख लीजिए, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। कौन सा है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, होता है, और वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। सभी अपना ख्याल रखिए, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए।